अब आपको बताए वजीर रेलवे शेख रशीद की सरबराही में रेलवे हेडक्वार्टर्स में इजलास। गुज़िश्ता इजलास की कहानी बाहर आने पर शेख रशीद अफसरान पर बरहम। इजलास में क्या होता है किसी को कुछ पता नहीं। शेख रशीद का हुक्म दिया गया है कि इजलास की कहानी किसी को ना बताई जाए। राना फहद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते चले वजीर रेलवे शेख रशीद की सरबराही में रेलवे हेडक्वार्टर्स में इजलास हुआ और गुज़िश्ता इजलास की कहानी बाहर आने पर शेख रशीद अफसरान पर बरहम। इजलास में क्या होता है कोई किसी को नहीं बताएगा, शेख रशीद का हुक्म। वजीर रेलवे शेख रशीद की सरबराही में रेलवे हेडक्वार्टर में इजलास हुआ और इजलास में आखिर ऐसा क्या गर्मा गर्मी हुई कि शेख रशीद की जानिब से ये हुक्म दिया गया है कि इजलास में क्या होता रहा कोई किसी को कुछ नहीं बताएगा। गुज़िश्ता इजलास की कहानी बाहर आने पर शेख रशीद अफसरान पर बरहम भी नज़र आए और इस इजलास में क्या होता रहा शेख रशीद की जानिब से हुक्म जारी किया गया है कि इजलास की कहानी किसी को ना बताई जाए। वजीर रेलवे शेख रशीद की सरबराही में रेलवे हेडक्वार्टर में इजलास जारी था और गुज़िश्ता इजलास की कहानी बाहर आने पर शेख रशीद अफसरान पर बरहम नज़र आए और उन्होंने हुक्म सादर किया कि इजलास की कहानी किसी को ना बताई जाए। राना फहद हमारे साथ मौजूद है, उनसे जान लेते हैं। राना फहद, आखिर ऐसे इजलास में क्या हुआ कि शेख रशीद ने ऐसा हुक्म जारी कर दिया? जी बिल्कुल, आज इतवार के रोज भी जो है वो वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद ने रेलवे हेडक्वार्टर में रेलवे अफसरान के साथ जो है वो इजलास में शिरकत की और इस इजलास में जो है उन्होंने अपनी भ्रमी का इजहार किया कि गुज़िश्ता इजलास की जो है वो सारी बातें जो है वो आम की गई और इस इजलास की भी जो है वो कोई बात बाहर जो है वो किसी को ना बताई जाए। ये जितनी भी रेलवे की बातें हैं ये जो है वो खुफिया इजलास हैं और इनको खुफिया ही रखा जाए, जबकि इजलास में वजीर रेलवे को इस जो आज का इजलास है इस इजलास में वजीर रेलवे को रेलवे कंपनियों और सी पैक के हवाले से ब्रीफिंग दी जा रही है। रिडिमको, प्रॉक्स, रेलकॉप, PRFTC की कारकर्दगी पर जो है वो वजीर रेलवे को आज तफसीली ब्रीफिंग दी गई है, जबकि सी पैक टीम लीडर इशफाक खटक सी पैक और मुतलका प्रोजेक्ट्स के हवाले से भी जो है वो इजलास में ब्रीफिंग दे रहे हैं। इस हवाले से जो है वो वजीर रेलवे को तमाम तौर सूरत हाल से आगाह किया गया है कि रेलवे जो है वो गुज़िश्ता 5 साल में कहाँ खड़ा था और रेलवे ने जो है वो गुज़िश्ता 5 साल में क्या क्या जो है वो काम किए और क्या क्या काम जो है वो रेलवे के पेंडिंग है। इस में जो है वो सेक्रेटरी रेलवे जावेद अनवर बुबक और चीफ एग्जीक्यूटिव इजलास की कहानी बाहर आने पर शेख रशीद अफसरान पर बरहम हुए। शुक्रिया राना फहद आपका।